पार्लियामेंट सर, आप क्या बोलेंगे, शिवसेना का स्टैंड क्या रहेगा, क्या एयरलाइंस को शुड नॉट बी अलाउड करना चाहिए, जो उन्होंने किया है उसके लिए अलाउ करना, क्या किया है, मतलब वही जो एयरलाइंस कंपनीज कर रही है उसको आप लोग कैसे, एयरलाइंस कंपनी का जो बर्ताव है आज तक नीचे करो, वो माफिया गुंडों जैसा बर्ताव है। आप देखिए हमारे साथ संजय राव जी मौजूद हैं, आपके कंपनी में आपके खुर्ची के नीचे क्या जल रहा हो देखिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर के साथ मीटिंग अभी चलेगी, लेकिन सांसद के खिलाफ एक FIR दायर हुआ है, सांसद ने भी क्रॉस FIR दाखिल किया है, तो जांच हो जाएगी, जांच होगी ना। एविएशन क्या कहा आपने लोकसभा स्पीकर को, आपने क्या कहा लोकसभा मंत्री से मुलाकात की आप लोगों, लेकिन बातों को रखा सर, पता नो फ्लाई लिस्ट नहीं होना चाहिए एयरलाइन की तरफ से, इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक टेररिस्ट है, आपके फ्लाइट से टेररिस्ट फ्लाई कर सकता है, अंडरवर्ल्ड के डॉन फ्लाई कर सकते हैं, भ्रष्टाचारी हाँ करप्ट लोग देशद्रोही सब आपके फ्लाइट से फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक सांसद है, एक आम आदमी है, वो फ्लाई नहीं करेगा। और अब तक आप तक उनके खिलाफ जो आपने FIR दाखिल किया उसकी जांच पूरी नहीं हुई है, अगर जांच पूरी होगी तो पता चलेगा किसने क्या किया है, जांच नहीं हुई है, तथ्य सामने नहीं आया है, और आप एक व्यक्ति को इस तरह से बयान कर देते हो, ये इस देश में अब तक तानाशाही नहीं शुरू हुई है एयरलाइंस कंपनियों की और किसी की भी, अगर किसी के दबाव में ये कर रहे हैं तो ये दबाव भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सर स्पीकर से क्या मांग रहेगी आपकी, सर जो मीटिंग अभी आपने शेड्यूल रखी, स्पीकर से हम इतना ही बोलेंगे कि देश में डेमोक्रेसी है, स्वातंत्र है, इस तरह से अगर तानाशाही चलेगी, एक दिन एयरलाइंस वाले प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर को भी ग्राउंडेड करेंगे। सर एविएशन मंत्री कुछ बोलते नहीं है इस मसले पे, आपको लगता है कि सरकार का रुख सॉफ्ट है, वो एयरलाइंस कंपनीज को सपोर्ट कर रही है, कुछ ऐसा लगता है? मैं अभी तो कुछ नहीं बोलूँगा, समय आने पर बोलूँगा। ये जो एयरलाइंस कंपनी के मालिक है उनके भी काले चिट्ठे खोलूँगा, किसके साथ किसी के साथ संबंध है, दुबई में किसके साथ है, पाकिस्तान में किसके साथ है, कहाँ से कहाँ पैसा घूम रहा है किसी का, ये सब आ जाएगा। सर एक लास्ट सवाल, क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उनके व्यवहार के बारे में, क्या उनको रिग्रेट रहेगा? एयर इंडिया उसके रिग्रेट के बारे में माफ़ी मांगेगी, मांगने को बोलो उनको, सबसे पहले शुरुआत करें, दुर्व्यवहार की शुरुआत किसने की है, दुर्व्यवहार की शुरुआत एयरलाइंस कंपनी ने की है, एयरलाइंस कंपनी क्या आकाश से गिरी है क्या, हाँ दूध से स्नान करती है क्या, क्या चल रहा है हमें मालूम नहीं, छोड़ दो अभी। थैंक यू सर।